गुड मॉर्निंग माय लिटिल विद्याश्रियंस, हाउ आर यू ऑल टुडे? आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 8.4 ऑफ आवर चैप्टर नंबर 8, ज्योमेट्रिकल शेप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिसन स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज 8.4 टुडे वी विल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन और लाइन सेगमेंट। आज हम सीखेंगे दिए हुए मेजर के साथ हम लाइन सेगमेंट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमें कोई भी लाइन सेगमेंट बनाने के लिए जिन टू थिंग्स की नीड है वो है आपका रूलर एंड सेकेंड वन इज योर पेंसिल। सो फर्स्टली टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्ट के लिए कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। Suppose we are constructing here a line segment PQ of length 5 cm. Suppose कीजिए हम यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं जिसकी लेंथ होगी 5 cm। उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक हमारा रूलर और एक हमारी पेंसिल। Now what we have to do to construct a line segment, we do the following things। हम कुछ following points को लिख लेते हैं यहाँ पर जिनकी हमें जरूरत है कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक लाइन सेगमेंट। पहला है जो हमें याद रखना है, वी टेक अ पेंसिल और रूलर। दैट मीन्स हमें पेंसिल और एक रूलर की जरूरत होगी। रूलर को आप स्केल भी बोल सकते हैं जो कि सभी के पास होता है, सभी की ज्योमेट्री में होता है। सेकेंड है वी पुट द रूलर ऑन अ प्लेन सरफेस। उसके बाद क्या करते हैं हम रूलर को स्केल को एक प्लेन सरफेस पर रखते हैं। वेदर इट इज योर नोटबुक और व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और यू कैन टेक एनी अदर शीट ऑल्सो टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट। थर्ड इज वी मेक टू पॉइंट्स एंड नेम देम। हम दो पॉइंट्स लेंगे और उन्हें नेमिंग करेंगे बिकॉज वी आर Giving the name P and Q, so we will name them P and Q. And fourth point is we join them. We join the points. हम उन points को join कर देंगे एक line segment के लिए और then measure the length of PQ. और end में हम PQ line की measure को length को measure कर लेंगे. So here I am taking this question as a practical. अब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ आपको व्हाट वी हैव टू डू। दिस इज माय रूलर एंड दिस इज माय पेंसिल और यू कैन से मार्कर ऑन व्हाइट बोर्ड आई एम यूजिंग। सो फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड ओनली टू दीज थिंग्स। नाउ वी पुट स्केल ऑन अ प्लेन सरफेस। मैंने इस प्लेन सरफेस पे अपना स्केल रख दिया है, ठीक है। अब मुझे टू पॉइंट लिखने हैं। सपोज कीजिए जीरो से स्टार्ट करना है हमें, तो हम जीरो के ऊपर एक पॉइंट बना देते हैं, ओके। और उसके बाद हम दूसरा पॉइंट फाइव के ऊपर, जहां आपको स्केल पे फाइव पॉइंट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भी आप एक जीरो एक पॉइंट ड्रॉ कर दोगे लाइक दिस। पहले आपको जीरो पर और उसके बाद आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ना, तो आप फाइव के ऊपर एक पॉइंट बना देंगे इस तरह से। नाउ टेक आउट योर स्केल, टेक ऑफ योर स्केल, देन Give the name to the points. Then after that, आपको क्या करना है, पॉइंट्स को नेम करना है P and Q. बेटा ऑलवेज रिमेम्बर दैट पॉइंट शुड बी गिवन कैपिटल लेटर्स ओनली। पॉइंट्स को आप हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखोगे ऑलवेज, ओके। सो वी आर गिविंग हेयर कैपिटल अल्फाबेट्स P and Q टू बोथ द पॉइंट्स। Now what we have to do, we have to join them. हमें अब इन दोनों को join कर देना है। P और Q को मिला दूंगी मैं, और पहले जैसे मैंने इसकी measurement 5 cm ही ली है तो मुझे दोबारा इसको measure करने की need नहीं है। So it is our required line segment. Like this you can draw any line segments. Now I am taking the another example. एक और example ले लेती हूँ। सबसे पहले place कर देती हूँ स्केल को surface पे, उसके बाद पहला पॉइंट जो है मैं जीरो पर प्लेस करूंगी और दूसरा मैं अपनी इच्छा से कहीं भी कर देती हूँ लाइक दिस, ओके। नाउ अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी। अब मुझे इसे मेजर करना है
कितनी लेंथ है इसकी, तो मैं क्या करूंगी, पहले पॉइंट को मैं जीरो के ऊपर लिखूंगी लूंगी और सेकंड पॉइंट अपने आप मुझे बता देगा कितनी लेंथ है सेकंड पॉइंट तक इस नाइन सेगमेंट की, तो इट इज कंसाइड विद नाइन। ये देख रहे हो आप, सेकंड पॉइंट मेरा नाइन पर आ रहा है, तो लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज 9 सेंटीमीटर। आफ्टर देन यू कैन गिव द नेम ऑल्सो द टू पॉइंट ए एंड बी, आई एम गिविंग हियर ए एंड बी फॉर बोथ द पॉइंट, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। नाउ वील डू एक्सरसाइज 8.4। इन एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट इज क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ अ रूलर ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ। फर्स्ट इज 5 सेंटीमीटर। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लेस द स्केल लाइक दिस। फर्स्ट पॉइंट वी विल टेक ऑन जीरो एंड द सेकेंड पॉइंट वी विल टेक ऑन 5, देन वी विल ज्वाइन दैम। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट एंड यू कैन गिव द नेम ऑल्सो ए बी पी क्यू आर एस एम एन के एल, यू कैन गिव एनी नेम बट यू हैव टू गिव इन कैपिटल लेटर्स ओनली, यू शुड रिमेम्बर दिस। सपोज अनदर वन आई एम डूइंग हियर, द फिफ्थ वन इज 4 सेंटीमीटर। अगेन सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो हियर, वी विल मेक अ पॉइंट ऑन जीरो आफ्टर 4, 1, 2, 3, 4, 4 सेंटीमीटर वी विल अगेन पुट अ जीरो। नाउ वी विल ज्वाइन दैम एंड गिव द नेम टू द स्लाइस सेगमेंट लाइक के एल आई एम गिविंग हेयर एंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक दीज लाइन सेगमेंट इन योर नोटबुक, दैट मीन्स एक्सरसाइज 8.4 आपको इसी तरह अपनी नोटबुक में कम्प्लीट करनी है। Students, I hope you all have understood the concept of constructing a line segment. So do this exercise in your notebook only. Till then, goodbye, take care and do your studies well.